deep temperature of sun या फिर एप्लीकेशन ऑफ अ कॉन्स्टेंट विच इज नोन एज अ सोलर कॉन्स्टेंट एस, सोलर कॉन्स्टेंट एस, तो दिस इज सन, रेडियस इज आर, आर ये लो, और ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ उसके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी है, ठीक। हम क्या कर रहे हैं, सन एनर्जी निकाल लेगा, टेम्परेचर टी है, और सन कितनी एनर्जी निकालेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, स्टीफन्स लॉ, सन का टेम्परेचर इतना है, और सन अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है तो एमिसिविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इतनी एनर्जी निकालता है सन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ठीक। सन की पावर कांस्टेंट मानी जाती है, सन कोई एनर्जी निकाल के थोड़ा हो जाएगा, वो तो कांस्टेंट पावर की सप्लाई देता है, तो इसलिए एनर्जी पर यूनिट टाइम सन की हमेशा कांस्टेंट है पावर, ठीक। और एरिया कितना है सन का, इतना इज इक्वल टू ये लो, तो कितनी पावर सन से जो एनर्जी निकल रही है वो इतनी पावर उसकी सन की आ गई, डन। एनर्जी जा कहाँ रही है, स्पेस में जा रही है और अर्थ तक पहुंच रही है, मान लो अर्थ तक पहुंचने का रेडियस स्मॉल आर है, तो कितने एरिया में जा रही है, 4 पाई स्मॉल स्क्वायर एरिया में जा रही है, निकली 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, लेकिन कितने एरिया में फैल रही है स्क्वायर फॉर्म में, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की फॉर्म में फैल रही है, ठीक। एक कॉन्स्टेंट है जिसका नाम है सोलर कॉन्स्टेंट, जो सोलर कॉन्स्टेंट होता है उसका मतलब ये होता है कि कितनी पावर है सन की, कितनी पावर है, पावर का मतलब कितनी एनर्जी आ रही है पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय कितने एरिया में आ रही है, एरिया मीन्स 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, यहां पर कैपिटल आर नहीं, कितने एरिया में फैल रही है, तो उसको सोलर कॉन्स्टेंट बोलते हैं। अगर मैं इसको इस एरिया से डिवाइड करता फिर सन की एनर्जी कितनी निकल रही है वो आता, सन अपने अंदर से इतनी एनर्जी निकाल रहा है 4 पाई आर स्क्वायर एरिया से, और कितने एरिया में जा रही है, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एरिया में जा रही है, तो यहां से सोलर कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू पावर की वैल्यू हमारे पास है, दैट इज 4 पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन इंटू सिग्मा टी की पावर 4 बाय 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहां से टी की पावर 4 का फॉर्मूला आ गया एस इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू ये लो, और टी की वैल्यू क्या आ गई, एस इंटू आर स्क्वायर इंटू सिग्मा 1 टू पावर 4, क्योंकि सन को माना जाता है परफेक्टली ब्लैक बॉडी, देखने में काला नहीं है बट अदरवाइज उसकी जो एनर्जी एमिशन है बहुत जबरदस्त है, तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो इसकी जगह 1। सोलर कॉन्स्टेंट आपको असाइनमेंट पेज नंबर 27 पे गिवन है, इसकी वैल्यू हमें पता होती है 2 है, स्मॉल आर पता है, अर्थ का रेडियस पता है, सन का रेडियस पता है, सोल्व करके टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली कितना आता है 5800 केल्विन, लेकिन एक्चुअल टेम्परेचर जो आता है वो 6000 केल्विन के आसपास होता है सन का। इसका मतलब यह है कि हमने अज्यूम किया कि सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, यह वेरिएशन इसलिए आ रही है क्योंकि सन परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं है, तो दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सन। ऑब्जेक्टिव शीट्स करनी है,
मैं आपको 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं. ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 95 एक बहुत आसान शीट है. मैं चाहता हूं आप खुद ट्राई करो एक बार. हमने फॉर्मूला आज किए, हमने न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग भी किया. बहुत इजी शीट है ये, पूरी की पूरी शीट हार्डली 5 या 7 मिनट में हो जानी चाहिए. 10 मिनट मैक्सिमम लगा लो. वन लाइनर क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 95 एक बार प्लीज ट्राई करो. 5 मिनट लो और देखो कितने क्वेश्चंस होते हैं. 5 मिनट लो.